हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये कटआउट वर्क वाली मेहंदी जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है, चल रही है। सो सबसे पहले वो लोटस वाला जो फ्लावर है जो अधिकतर मेहंदी के डिज़ाइन में दिखता है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। आपको जो आउटर है वो बहुत पतली मेहंदी से बनाना है, मतलब कोण बहुत पतला होना चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो आपको पहले इस तरीके से ड्रॉ करना है और उसके बाद उसको जो आउटर है वो हम भर देते हैं। ये जो है डिफरेंट तरीके के डिज़ाइन है, आप अपने मेहंदी के हाथ में कहीं पर भी इस डिज़ाइन को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मोटा जो है डिज़ाइन आजकल चल रहा है, ट्रेंड में है। कुछ भी बनाइए और उसको बहुत अच्छे से भर दीजिए तो हाथ रचा हुआ भी बहुत अच्छा लगता है। मैं भी खुद ये इस तरह के वीडियोस देखती हूँ और इंस्पायर होती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि मैं भी एकदम परफेक्ट मेहंदी आर्टिस्ट नहीं हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है, इंटरेस्ट आता है एक नया नया जो डिज़ाइन दिखता है तो कि अरे अपने को ये भी ट्राई करना चाहिए। ये तो है गुलाब का फूल, लोटस अलग है और गुलाब का फूल अलग है, दोनों ही बहुत ज़्यादा अभी चल रहे हैं मेहंदी के अंदर। और इसमें आपको कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ये जो है जो पत्ती आपको बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत बारीक मेहंदी का अब ट्रेंड ही ख़त्म हो गया है शायद। अब डिज़ाइनर मेहंदी में, हर डिज़ाइनर मेहंदी में बस ऐसा ही होता है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बना के उसको बस भर दो। सो रची बहुत अच्छी लगती है। सो यहाँ हम वही देख रहे हैं और मैं खुद भी ये लर्न कर रही हूँ कि किस तरीके से मेहंदी को इतनी स्टाइल से बनाया जाता है, तो बहुत इंप्रेसिव लगता है। और अगर आप ये बनाना चाहते हैं बनाइए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी बन सकता है आपका अगर आप एक मेहंदी डिज़ाइनर बन जाते हैं तो। इसके अलावा मेहंदी की बात तो बहुत हो गई है, अभी मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपका लॉकडाउन का जो ये जो पीरियड है कैसा जा रहा है, क्या कर रहे हो आप? बहुत सारे लोग जो है कुकिंग कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट रेसिपीज़ यूट्यूब पे देख के ट्राई कर रहे हैं लोग, कोई गोलगप्पे बना रहा है और आजकल लोग केक भी बहुत बना रहे हैं, बिस्किट वाला केक जो है। आपने क्या बनाया अपने घर में मुझे बताइएगा ज़रूर। बहुत सारे टिकटॉक भी लोग फॉलो करते हैं, मैं खुद भी बहुत टिकटॉक बनाती हूँ, अभी बहुत लोग फ्री हैं, मेरे पास तो चिंकू भी है तो मेरा बहुत सारा टाइम तो वही ले लेता है। बाकी आप लोग क्या करते हो आपके फ्री टाइम में मुझे बताइएगा, और अगर कोई ब्यूटी टिप्स आपके पास हो तो वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा मुझे या वर्किंग वाला कुछ होगा कंडीशन वाला तो मैं अपने चैनल पे भी उसको डालूँगी। अब जो है आप अलग 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 ना, मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियोस जो हैं उसको सबको मर्ज करके और फिर ये आपको वीडियो लेकर के आई हूँ, तो आप देखिए और बताइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है डायरेक्ट फ़ोन से मत करना, अगर आपको नहीं आती है अभी तो आप पेपर और पेंसिल लो और उससे करो, और फिर उस जो भी आपने पेंसिल से बनाया है ना उसके ऊपर आप कोन को फेरो, तो क्या है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। एक बार ही आप वो कर लोगे तो आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ मैं बना सकती हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ, आप पेपर पे ले लो और यहाँ पे तो हम मेहंदी कोन यूज़ कर रहे हैं पर आप चाहो तो पेन या फिर पेंसिल यूज़ कर सकते हो और फिर उसके ऊपर आप मेहंदी का कोन फेर सकते हो। सो एकदम डबल प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, और बनाना आना चाहिए स्ट्रक्चर। मेन तो यही है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, जिसका ड्राइंग अच्छा होता है वो मेहंदी में अच्छा रहता है, पर आप प्रैक्टिस करके सब अपना जो फ्लॉज है वो इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये जो है डिज़ाइन, ये भी डिज़ाइनर मेहंदी में ही आता है। और ये जो छोटे वाले फूल हैं या पत्तियां हैं, ये आप कहीं पे भी मेरा मतलब है कि कहीं भी आप पैर में मेहंदी लगा रहे हो या हाथ में लगा रहे हो, बाजूबंद बना रहे हो, कहीं पे भी आप ये छोटे छोटे जो ड्राइंग्स हैं इसको यूज़ कर सकते हो। जो बूटे हैं ना ये छोटे छोटे, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे आप मेहंदी बनाते जाओगे आपको ये सब आता जाएगा। ये जो मेहंदी के जो वीडियोस होते हैं आपको एक आइडिया देते हैं कि आप किस तरीके से कहाँ पे, अगर छोटा सा जगह है तो आप कौन सा बूटा लगा लो। बाकी आपका दिमाग आप चलने लग जाता है अगर आप कंटिन्यू मेहंदी बनाने में रहते हो तो। अभी ये अलग अलग तरीके का फ्लावर है, पत्तियाँ कुछ भी नहीं है, मतलब आपको ऐसा कुछ भी भरना वरना नहीं है या कुछ ऐसा डिटेल में कोई बारीक मेहंदी नहीं लगानी है, बस आपका स्ट्रक्चर जो आउटलाइन है ना वही इतना क्लियर होना चाहिए कि मेहंदी अपने आप से खूबसूरत दिखने लग जाती है। सो अभी मैं और क्या बताऊँ आपको,
आगे जो थोड़े बहुत और वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी। अभी खाली है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं खुद मेहंदी में मतलब हाथ बनाती रहती हूँ। अगर आपने भी मेहंदी हाथ बनाए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा उसके फ़ोटोज़ वगैरह। मेरा जो इंस्टाग्राम है आप वहाँ पे मुझे लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी मुझे दे सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट इट्स क्रिएटिव अमृता नाम से है, आप चेक कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़ा बहुत रहम खाओ मेरे पे। आगे मुझे बताइएगा आपको मतलब इस चैनल पे और कौन कौन से डिफरेंट वीडियोस देखने हैं, तो मुझे कंटेंट अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर से डालूँगी। आप और जो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो भी मुझे बताना ज़रूर, डिफरेंट टॉपिक्स या अगर आपको लाइव बात करनी हो तो भी, जो भी अगर जैसा भी चलेगा आप मुझे, आपके मन में जो भी आ रहा है वो मुझे बताना, तो हम उस तरीके से फिर आगे काम करेंगे। नाउ मुझे किसी ने कहा कि मेहंदी जो है बहुत प्रैक्टिस मांगती है और नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि आप गिव अप मत करो और पेंसिल से ट्राई करो पहले। इंटरनेट पे आजकल गूगल पे इतने सारे मेहंदी के डिज़ाइंस अवेलेबल है, फ़ोटोज़ देखो और अपना खुद डिज़ाइन बनाओ, एक अपना खुद का डिज़ाइन, और उसको ट्राई करो। एक बार कर लोगे और अच्छा बन गया ना, या फिर जैसे मेरा, मुझे लगता है कि अगर कोई ट्राई कर रहा है और सारे के सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, अगर वो मेहंदी डिज़ाइन में जो भी लोग मेहंदी डिज़ाइन ट्राई कर रहे हैं, मैं उनसे यही बोलूँगी कि आप ट्राई कर रहे हो ना तो वो फ़ोटोज़ मुझे भेजो, मैं अपने चैनल पर डालूँगी। आप देखना मेरा फेसबुक अकाउंट पेज भी है एक मेहंदी बाय अमरू करके, तो आप, मैं उस पर शेयर करूँगी। आप देखना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं कि वाह क्या मेहंदी का है। अगर आप बिगिनर हो तो आपका बहुत मोटिवेशन मिलता है लोगों की तारीफ़ से। अगर आप पहली बार भी अटैम्प्ट कर रहे हो तो वो जो चीज़ है ना वो आप ज़रूर से शेयर करना मेरे साथ में, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ आपने, मैंने इतनी सारी क्लासेस मेहंदी के ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं, वो देखना ज़रूर। किसी की लाइफ में कुछ भी टैलेंट अगर मतलब मैं कुछ भी थोड़ा ऐड ऑन कर सकती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ये जो है फाइनल जो कटआउट मैं आपको बता रही थी वो यही है कि हमको पहले आउटलाइन करनी पड़ती है, उसके बाद उसको बाहर से मोटा मोटा वो कर दो आप स्ट्रक्चर बनाने के बाद में। ये जो बूटा है ना ये हर जगह काम आ जाता है, हर जगह काम आ जाता है। छोटा सा फूल बनाओ और फिर ये पत्तियाँ बना दो, तो ये जो वाला बूटा है ये हर जगह आप इसको चिपका सकते हो। सो एंड ऑफ द वीडियो होने वाला है और मुझे बताना ज़रूर, इन दिनों मैंने ब्राइडल वाला जो वीडियो है वो भी अपलोड किया था, आपने ट्राई किया नहीं किया, कि नहीं किया तो कर लो यार, और मुझे फ़ोटो ज़रूर शेयर करना। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और हैप्पी लॉकडाउन डेज़।